पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा जारी है। प्रदेश में पेट्रोल का दाम बढ़कर के 92.04 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल का दाम बढ़कर के 85.74 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चंडीगढ़ में डीजल 85.32 रुपए, पेट्रोल का दाम बढ़कर 91.14 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। चंडीगढ़ में डीजल 85.32 रुपए और पेट्रोल का दाम बढ़कर के 91.14 रुपए प्रति लीटर हो गया। हिसार से गुरुवार देर रात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बाइक पर सवार होकर के 3 युवक आए जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखा था। पंप के कारिंदों पर पिस्तौल तानकर यहां से 40,000 रुपयों की रकम लूट ली। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करके आगे की जांच शुरू की। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के साउथ बाईपास पर स्थित उदय पेट्रोल पंप पर गुरुवार देर रात पंप पर कुल 3 कर्मी थे। पंप कर्मियों ने भी जवाब में उन पर डंडा फेंका, लेकिन आरोपी युवक हवा में पिस्तौल लहराते हुए निकल गए। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ने लगी है। 70 दिन बाद सबसे कम 980 नए मामले सामने आए। 38 दिन बाद सबसे कम 71 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि 2,889 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 8,532 मरीजों की जान गई। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के कारण मरीजों की संख्या कम हो रही है। 70 दिन बाद गुरुवार को 980 नए केस मिले, साथ ही 2,889 लोग ठीक हुए। सभी जिलों में नए केसों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। फरीदाबाद में कोरोना के मामले कम होने पर सरकार द्वारा जहां दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की राहत दी गई, वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन इसके बावजूद शॉपिंग मॉल्स में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल फरीदाबाद के अधिकतर शॉपिंग मॉल्स में लगभग 80-90% दुकानें बंद हैं। जो 10% दुकानें खुली हुई हैं वो भी ग्राहकों को तरस रही हैं। स्थिति ये है कि दुकानदारों ने जहां कर्मचारियों की संख्या घटा दी, वहीं दुकान का किराया तक निकालना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। शॉपिंग मॉल में खुली हुई दुकानों के संचालकों और काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि बेशक प्रशासन ने शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन लोगों में अभी कोरोना वायरस का डर है, जिसके चलते लोग मॉल में नहीं आ रहे। यही वजह है कि मॉल में अधिकतर दुकानें बंद रखी हुई हैं। स्थिति यह है कि जो कुछ ग्राहक उनके दुकानों पर आता है उससे उनका खर्च तक नहीं निकल पाता। ऐसे में ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द स्थितियां अनुकूल हों और दोबारा से शॉपिंग मॉल गुलजार हों। खबर फरीदाबाद से, जहां कोरोना के बीच बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MISC की बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में इस बीमारी के करीब 25 मामले सामने आए और सभी बच्चों का निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। इस बीमारी को लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत के 4 बड़े मेडिकल संस्थानों के द्वारा 100 बच्चों के साथ रिसर्च जारी है। ये सभी वो बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से वो बीमार हो रहे हैं। इस शोध में फरीदाबाद ESI मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल और दिल्ली सफदरजंग मौलाना मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के साउथ बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। इन 4 मेडिकल संस्थानों में 100 बच्चों पर अध्ययन जारी है।